आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सया के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है, तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकाल कर फेंक दें। अब शक्तिपाद दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनें और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करें या इशारे से सारे सुख दे दी कृष्ण मोक्ष देगा। तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। 12 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, जो एबीएस के जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक है, उन्होंने इस दिव्य लेख को लिखा था। गुरुदेव ने लिखा है, अपने बारे में बताया है कि मैं मेरे प्रारंभिक जीवन में पूर्ण रूप से निरीश्वरवादी व्यक्ति रहा हूँ। ईश्वर नाम की किसी शक्ति में मुझे कोई विश्वास नहीं था।
मैं मानव की एकमात्र सत्ता में ही विश्वास रखता था, क्योंकि प्रारंभ से ही मैं नौकरी में मजदूर संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आ गया था। अतः मेरा झुकाव राजनीति की तरफ अधिक होता गया। मेरा मूल रूप से यह स्वभाव रहा है कि मैं अपनी मान्यताओं पर हमेशा अडिग रहता हूँ। इस प्रकार अपने पथ पर चलकर कम से कम समय में हर काम को पूरा करके उसके परिणाम की अपेक्षा करता हूँ। मैं ऐसे किसी काम में विश्वास नहीं रखता हूँ जो लंबे समय तक कोई परिणाम न दे। मेरी मान्यता है कि जिस प्रकार किसी खाद्य पदार्थ को मुख में डालते ही उसके स्वाद की प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है, उसी प्रकार हर काम के बारे में प्रत्यक्षानुभूति होनी चाहिए, वरना व्यर्थ समझता हूँ। आज की बहिर्मुखी आध्यात्मिक आराधना से कोई प्रत्यक्षानुभूति नहीं होती है। केवल अंधविश्वास के सहारे मनुष्य पूरे जीवन कर्म कांड में उलझा रहता है, परंतु फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इस युग के चतुर धर्म गुरुओं ने बहुत चतुराई से मान्यताएं एवं सिद्धांत बना रखे हैं। हर काम का धार्मिक परिणाम अगले जन्म में मिलेगा। अतः श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन भर तेली के बैल की तरह मनुष्य को चलाते रहते हैं। इस प्रकार संसार के असंख्य मनुष्यों का जीवन निरर्थक बना रखा है। यह मेरा स्वभाव है कि मैं जैसा सोचता हूँ वही कहता हूँ, और जो कहता हूँ वही करता भी हूँ। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, फरवरी 12, 1988। यही कारण था कि मैं धीरे धीरे पूर्ण नास्तिक बन गया, क्योंकि मेरा यह स्वभाव है कि मैं जैसा सोचता हूँ वही करता हूँ, और जो कहता हूँ वही करता भी हूँ। लोग मात्र कहने को नास्तिक हैं। थोड़ा कष्ट आते ही नास्तिकता काफूर हो जाती है। रूस जैसे देश ने भी दूसरे विश्व युद्ध में सभी धर्मों के प्रार्थना स्थल पुनः खोल दिए थे, परंतु मैं कालिदास की तरह अपने हट पर अड़ा ही रहा। इस प्रकार जो ही यह अपनी चरम सीमा का अतिक्रमण करने लगी, भारी विस्फोट हो गया। जैसी स्थिति हिरोशिमा वासियों की हुई, मैं ठीक वैसी ही स्थिति में पहुंच गया। ऐसी विचित्र भयावह मानसिक स्थिति हो गई कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सारे भौतिक उपचार असफल हो गए। स्थिति ऐसी भयंकर हो चुकी थी कि मैं स्वयं यह सोचने लगा कि अब अंतिम समय अधिक दूर नहीं। आगे गुरुदेव ने लिखा है, ऐसी स्थिति में मेरे एक मित्र श्री राम दुबे ने गायत्री मंत्र का जप करने की सलाह दी। मैं उस सत्ता में कुछ भी विश्वास नहीं रखता था। मृत्यु भय के कारण जैसा बताया सहर्ष वैसा करने को तैयार हो गया। उस समय की मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि एक तरफ तो मृत्यु मुंह भाई खड़ी थी, दूसरी तरफ उस अदृश्य शक्ति से प्राण रक्षा की करुण पुकार कर रहा था। ऐसी स्थिति में एकाग्रता और करुण पुकार कैसी होगी? आसानी से समझा जा सकता है। विधिवत 1.25 लाख जप करने का लक्ष्य था, और इस प्रकार करीब 3.5 महीने का समय इस कार्य में लगा। इतने लंबे समय तक भी एकाग्रता और करुण पुकार की स्थिति निरंतर एक जैसी ही बनी रही। प्रातः 4 बजे उठकर 7:15 बजे तक और शाम को 7 से 9 बजे तक यह जप का कार्यक्रम अबाध गति से चलता रहा। जिस दिन 1.25 लाख जप पूरे हो गए, उसके अगले दिन जप बंद कर दिया, परंतु आदतवश प्रातः ही ठीक 4 बजे नींद खुल गई, क्योंकि जप करना नहीं था। आंख बंद किए बिस्तर पर ही लेटा रहा। सन 1968 की सर्दी में प्रारंभ होने वाली नवरात्रि से जप प्रारंभ किया था, अतः काफी सर्दी पड़ रही थी। मैं रजाई ओढ़े आंख बंद किए हुए लेटा हुआ था।
कि क्या देखता हूं, मेरे अंदर नाभि से लेकर कंठ तक एक अजीब प्रकार की सफेद रोशनी दिखाई दी। रोशनी के अलावा शरीर का कोई अंग जैसे लीवर, तिल्ली, फेफड़े, हार्ट आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, 12 फरवरी 1988। आगे गुरुदेव ने लिखा, मुझे यह देखकर अचंभा हो रहा था कि रोशनी आंखों से मिलती है, फिर यह अंदर कैसी रोशनी है। इसके अतिरिक्त ऐसी भयंकर सफेद रोशनी में भी कोई अंग क्यों दिखाई नहीं देता है। मैं जो ही उधर अधिक एकाग्र हुआ तो मुझे भंवरे की गुंजन की आवाज सुनाई दी, जो कि नाभि से आ रही थी। मैंने सोचा, पेट में भंवरे की आवाज कैसे आ रही है। जो जो मैं उस आवाज की तरफ एकाग्र होता गया, मुझे स्पष्ट सुनाई देने लगा कि गायत्री मंत्र अपने आप ही अंदर जपा जा रहा है। उसको जपने वाला कोई नजर नहीं आया, फिर भी वह अबाध गति से निरंतर चलता रहा। करीब 10-15 मिनट तक यह सब देखता सुनता रहा और अपने मन में सोचता रहा कि कैसी विचित्र बात है कि रोशनी आंख से आती है और आवाज कंठ से, परंतु यह सब उन अंगों से बहुत नीचे ही कैसे सुना और देखा जा सकता है। करीब 5 बजे स्नान घर में नल का पानी जोर से फर्श पर गिरा तो ध्यान भंग हो गया। बच्चों ने शाम को नल खुला छोड़ दिया था। इसके बाद उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर अपने कार्य पर चला गया। सोचा, इतने लंबे समय तक कार्यक्रम चलने और निरंतर उधर ध्यान ही रहने के कारण ऐसा ख्याल रह गया होगा। परंतु इसके बाद एक ऐसा परिवर्तन आ गया कि मैं पान, सिगरेट, चाय आदि का प्रयोग करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया। इनके इस्तेमाल का ख्याल आते ही बहुत भयंकर घबराहट सी होने लगी थी। इस प्रकार चाहते हुए भी इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना असंभव हो गया। किसी के साथ खाना खाते और जीवन के किसी भी क्षेत्र में मुझे थोड़ा सा भी झूठ बोलते हुए भी भारी घबराहट होती थी, क्योंकि जब पूर्ण रूप से बंद कर चुका था, अतः धीरे धीरे यह स्थिति शांत हो गई और एक साधारण व्यक्ति की तरह मैं फिर जीवन व्यतीत करने लगा। परंतु एक विचित्रता शरीर में आ गई कि जीवन के किसी उद्देश्य पर अगर मेरा दिल दिमाग अधिक एकाग्र होकर सोचने लगता तो उसका स्पष्ट परिणाम टेलीविजन की तरह बहुत पहले स्पष्ट नजर आ जाता और आगे चलकर वह घटना ठीक वैसे ही घटती जैसे मुझे दिखी थी। इस प्रकार करीब साल भर मुझे असंख्य प्रमाण निरंतर मिलते ही गए और सभी भौतिक जगत में ठीक वैसे ही घटित होते चले गए जैसे मुझे दिखे थे। शब्दों के एक पुंज में ऐसी विचित्र सामर्थ्य और शक्ति होती है, मुझे उसकी कल्पना भी नहीं थी। अतः जिज्ञासावश मैंने फिर आराधना करने की सोची। विचार आया कि उसे बड़ी शक्ति की आराधना करने का निर्णय लेकर आराधना प्रारंभ कर दी। शब्दों के एक पुंज में ऐसी विचित्र सामर्थ्य और शक्ति होती है, उसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, 12 फरवरी 1988। आगे गुरुदेव ने बताया है, भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर गायत्री की तरह सामने रखकर कृष्ण के एक बीज मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। इसकी न तो कोई निश्चित संख्या तय की और न कोई विशेष उद्देश्य, इसी जिज्ञासा से कि देखे कब क्या होगा। उसी क्रम से सुबह शाम करीब 2.5-3 सालों तक जप चलता रहा। एक दिन विचार किया कि गायत्री मंत्र से तो कोई 100 गुणा से भी अधिक संख्या हो चुकी होगी, फिर अभी तक वैसी ही कोई अनुभूति तो नहीं हुई। ऐसा सोचना था कि एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। हर समय एक परछाई तिरछी नजर से दिखाई देने लगी। जब सीधा देखता तो कुछ नहीं दिखता। सोचा, आंखों की कोई बीमारी हो गई है। डॉक्टर के पास गया, परंतु ऐसी कोई बीमारी नहीं निकली। वह क्रम और जब चलता रहा। एक दिन विचार आया कि अपने को इस विद्या का कोई ज्ञान तो है नहीं, कहीं व्यर्थ कष्टों में फंस जाएंगे। एक दिन विचार आया कि अपने को इस विद्या का कोई ज्ञान तो है नहीं, कहीं व्यर्थ कष्टों में फंस जाएंगे।
मंत्र जप बंद कर दिया, परंतु परछाई दिखनी बंद नहीं हुई। सोचा, इससे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, दिखती है तो दिखने दो। इस प्रकार जप बंद किए कुछ ही समय बीता होगा। एक रात्रि को मैं अपने गांव में सो रहा था। करीब 5 बजे प्रातः एक आवाज सुनाई दी और उसने स्पष्ट कहा कि बेटा, अब केवल कृष्ण का जप कर। यह आवाज स्पष्ट 2 बार सुनाई दी, गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। उसके बाद गुरुदेव ने बताया है कि अचानक मेरी आंख खुल गई, पर किसने आवाज दी कुछ समझ नहीं सका, परंतु फिर भी मैंने जप बंद रखा। वर्षों की आदत थी, बिना जप के कुछ अटपटा सा लग रहा था। एक दिन विचार आया, बेटा शब्द से संबोधित करके आवाज दी है, अतः जो भी भला बुरा होगा उसकी जिम्मेवारी आवाज की होगी। मैं इसके दोष का भागी क्यों बनूंगा? इसी प्रकार, इसी विचार के साथ साथ सभी प्रणव हटाकर केवल कृष्ण का जप प्रारंभ कर दिया। छोटा सा शब्द और फिर गति पकड़ने पर पहले वाले से 10 गुना से भी तेज गति से चलने लगा। करीब साल भर हुआ होगा कि एक बहुत ही विचित्र घटना घट गई। जय गुरुदेव। हम इसका शेष भाग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। आज के मन संचालक से अनुरोध है, कृपया मन संचालन का कार्य शुरू करें। आप सभी गुरु भाई बहनों के माइक और कैमरास को इनेबल कर दिया गया है। जय गुरुदेव। यदि कोई नहीं आ रहा है तो मैं ही कर लेती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक कल्कि भगवान सद्गुरुदेव श्री रामलाल सियाग के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। दादा गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव की कृपा दृष्टि से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान योग कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी गुरु भाई बहनों को पता ही होगा, ये कार्यक्रम सुबह शाम चलता है। सुबह इस कार्यक्रम में सुबह 5 बजे ध्यान करवाया जाता है, सभी साधक मिलकर ध्यान करते हैं, और शाम को ये कार्यक्रम 7 बजे शुरू होता है। 7 से 7:30 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में हम गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं, इस दर्शन को समझते हैं। उसके बाद गुरुदेव का ध्यान करते हैं, उसके बाद ध्यान की विधि जानकर दिव्य लेखनी सुनते हैं, और उसके बाद आप सब साधक अपने अनुभव साझा करते हैं कि आपको क्या अनुभव हुआ है, गुरुदेव से किस प्रकार जुड़ना हुआ। इसमें जो नए गुरु भाई बहन है, पहले उनको वरीयता दी जाती है। तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया जो भी मंच पे आना चाहे मंच की शोभा बढ़ाए। जी, मुकेश चंद्र गुरु भाई से अनुरोध है। गुरु भाई, आप कृपया अपना परिचय दीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा कीजिए, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो। गुरु भाई, माइक ऑन नहीं है आपका, माइक ऑन अच्छा कीजिए। जी, जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव गुरुदेव। जय जी। दादा गुरुदेव। गुरु भाई, मैं गुरु भाई कहाँ देहरादून से से हूँ सुनते हैं एक बार अपना। हाँ जी, जी। मेरा नाम मुकेश चंद्र राठौड़ी है और मैं उत्तराखंड से हूँ।
जहां से गंगा निकलती है भागीरथी, उस क्षेत्र से मैं वहां मेरी पैदाइश हुई उत्तरकाशी में। अभी मैं देहरादून में रहता हूँ, मैं नौकरी के सिलसिले में यहाँ रहा। पिछले वर्ष नवंबर के महीने में यहाँ एक मेला लगा था, उसमें अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के कुछ लोगों ने एक स्टॉल लगाई थी। वहां पर मुझे आपके आश्रम का एक पर्चा मिला था, तो उस समय मेरा इंटरेस्ट ज्यादा नहीं था। मैं साईं बाबा को मानता रहा हूँ और मैंने मंत्र, क्योंकि मंत्र के लिए साईं बाबा मना करते रहे, तो मैंने मंत्र इस कारण से मैंने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो पर्चा मैंने साई सचरित, जो साई बाबा का लाइफ पे लिखा हुआ है बायोग्राफी, उसमें मैंने रख दिया। इस वर्ष 29 मार्च के दिन अचानक मैंने वो सचरित खोला तो उसमें पर्चा मिला। तो मैंने ये सोचा कि देखें इसमें लिखा हुआ है कि संजीवनी मंत्र के लिए डायल करें। उस फोन नंबर पर मैंने डायल किया, तो 29 मार्च शुक्रवार का दिन था। इसी तब से मैं ये साधना, ये ध्यान और ये जप कर रहा हूँ। लगातार कोशिश करता हूँ कि लगातार मानसिक जप चलता रहे और ध्यान भी बेरोक टोक जारी रहे, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो अनुभवों के सिलसिले में अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ध्यान भी अभी पूरी तरह आज्ञा चक्र में केंद्रित हो नहीं पाता। और लेकिन एक बार मैंने आपके सत्संग केंद्र के, शायद राजेंद्र सिंह तोमर जी हैं कोई, उनसे मेरी व्हाट्सएप पे बात होती है, तो मैंने उनको भी बताया था कि मुझे एक बार क्या हुआ कि मैं स्नान घर के बाहर टीवी लगा हुआ है और टीवी में मेरा 2 घंटे का जो लूप में मंत्र चलता है गुरुदेव की वाणी में, वो लगा हुआ था संजीवनी मंत्र, और वो चल रहा था। और वो चलते चलते मैं ना स्नान के लिए चला गया, बाथरूम के अंदर मुझे वो मंत्र तो सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे उस वो मंत्र की जो 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 साउंड थी, जो उसकी आवाज थी, उसमें मुझे जो मंत्र है उसकी बजाय ये स्पष्ट सुनाई दिया। मेरी कोई कल्पना नहीं थी कि जन्म श्रेष्ठ जन्म, जन्म श्रेष्ठ जन्म, जन्म श्रेष्ठ जन्म, ये सुनाई देता रहा बिना किसी कल्पना। इसके बाद मैं जब नहा के निपटा और बदन सुखाने लगा तौलिए से, तो वो वाणी बदल गई। मंत्र बाहर वही चल रहा है संजीवनी मंत्र, उसके बाद वाणी बदल गई। कर्म कृष्ण कर्म, कर्म कृष्ण कर्म, ये। और फिर जब मैं बाहर आया बाथरूम के बाहर, तो वही जो हमारा जाना पहचाना संजीवनी मंत्र है वो चल रहा। तो एक तो ये अनुभूति है एक दिन की। दूसरा ये है कि मैं मुझे सायटिका का मुझे शिकायत रही है, आर्थराइटिस की शिकायत रही है, और मैं घुटनों से मोड़ के पालथी मार के नहीं बैठ पाता था। अब मैं कुछ दिनों से, 8-10 दिन से, मैं पालथी मार के बैठ सक रहा हूँ। एक फर्क ये है, तो इसका मतलब मुझे लगता है कि तो नाड़ी शोधन चल रहा होगा, ये मेरी कल्पना है। अब पता नहीं आप लोग इस बारे में क्या, आप पुराने लोग हैं, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। और इस मंत्र के करने के बाद एक और परिवर्तन आया है कि हमारे परिवार में सब करने लगे हैं, और हमारी पत्नी जो कभी सुबह नहीं उठती थी, वो सुबह उठ के स्वयं मंत्र करने के बाद घूमने भी जाती हैं। उनको डायबिटीज की भी शिकायत है, तो ये कुछ परिवर्तन जरूर आए हैं घर परिवार में, इस तरह का है। जी गुरु भाई, जी, और मैं आप लोगों गुरु भाई के मैं ये इस सेशन के जो वीडियोस हैं हमेशा देखता रहता हूँ, और कल ही मुझे इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया है, इसमें लिंक दिया गया है, तो मैंने आज
गुरुवार का दिन था इसलिए मैंने ये लिंक ओपन करके देखा, सुबह नहीं कर पाया था तो इस समय मैंने करके देखा। मैंने कहा देखते हैं इस सत्र में भाग लिया जाए तो अच्छा रहेगा। जी जी गुरु भाई, एक बार हम गुरुदेव से जुड़ जाते हैं तो हर दिन हमारे लिए गुरुवार है, हर समय हमारे लिए गुरुदेव का ही समय है, तो हमें ये तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और आपको मैं बधाई देना चाहूंगी, गुरुदेव की शरण में आए हो आप, कल की भगवान की शरण में हो आप, कल की भगवान ने स्वयं आपने आपको अपनी शरण में लिया है, और कितना ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। गुरु भाई आप बता रहे हो कि भी आप बैठ नहीं सकते थे, आप अब उस तरीके से बैठ सकते हो, और घर में भी स्थितियां सुधरी हैं, और आगे आने वाले समय में गुरु भाई आप और ज्यादा फिर तो देखोगे कितने ज्यादा चेंजेस आए हैं, क्योंकि गुरु भाई जो हमारा डिवोशन है और हमारा एक विश्वास अपने गुरु के प्रति है वो बना होना चाहिए। चाहे कैसे भी स्थिति आ जाए, कुछ भी हो, हमें कुछ भी कि ना किसी तरह का कोई वहम करना है, और ना हमें किसी तरह का अपने आप का विश्वास भी डगमग नहीं होना चाहिए, गुरु के प्रति विश्वास डगमग नहीं करना। और जी गुरु भाई, और आपकी साधना ठीक चल रही है गुरु भाई, आप सही रास्ते पे हो, और बस गुरुदेव से यही प्रार्थना करें कि गुरुदेव हमेशा अपनी शरण में रखें, कहीं और ना भटकने दे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जय गुरुदेव। हाँ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ तो वहाँ साधु संतों से मेरा बचपन से ही वहाँ कई आश्रम है, कैलाश आश्रम, चिन्मय आनंद आश्रम, कई आश्रम है, बहुत सारे आश्रम है। जो आश्रम आपको ऋषिकेश में मिलेंगे, हरिद्वार में मिलेंगे, उनकी एक एक शाखा उत्तरकाशी में भी है। तो बचपन से ही साधु संतों से परिचय रहा है, प्रणाम रहा है, और कुछ ऐसे अनुभव भी हुए हैं पहले कि कुछ दो साधु संतों को मैं देखता हूँ उसके बाद वो आसमान में गायब हो जाते हैं, फिर आते हुए देखते हैं, इस तरह की कई चीजें, और खुशबू का अनुभव बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा। मतलब अब रात की रानी की, जो आपको पता है कि रात की रानी का फूल होता है, उसकी खुशबू कभी भी दिन में नहीं आ सकती है, वो सिर्फ रात में उसकी खुशबू फैलती है। वो की खुशबू मुझे दिन में 10 बजे फैली। एक बार हम कहीं यात्रा कर रहे थे गंगोत्री के रूट पे, और गंगोत्री के रूट पे यात्रा करते हुए जब वो खुशबू आई तो मेरे साथ एक दूसरे मित्र थे, मैंने कहा भाई आपको कुछ महसूस हो रहा है? उन्होंने कहा हाँ महसूस तो हो रहा है। और वो खुशबू, मैंने कहा काहे की खुशबू लग रही है? ये तो रात की रानी की लग रही है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसके बाद जिस बस में हम बैठे यात्रा कर रहे थे उस बस का एक्सल टूट गया। उसके बाद हमको आगे की यात्रा हर्षिल नाम की एक जगह है, वहां पर हमारा एक टेम्पररी हमको एक पोजीशन मिली थी लेक्चरर की, तो उसके लिए हम जा रहे थे, तो हमको वहां तक पैदल जाना पड़ा। लेकिन जब हम उस बस से उतरे तो उसके बाद हमने देखा, क्योंकि उस समय 1978 की बाढ़ आई थी उत्तरकाशी में, और उसके बाद सारी सड़कें बह गई थी। आपको पता है, एक बार शायद आपने कभी समाचारों में सुना हो, पुरानी बात, बहुत पुरानी बात हो गई है, कि सड़कें बह गई थी, ऊपर एक टेम्पररी डैम बन गया था, एक पहाड़ी नदी जैसे होती है, पहाड़ी झरना, उससे एक पहाड़ी खिसक के और उसने भागीरथी नदी का रास्ता रोक दिया था उसका प्रवाह, और वो डैम होने लगा था, पानी एक कृत्रिम डैम बन गया था, मतलब कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक डैम बन गया था, लेकिन वो कच्चा था उस पहाड़ी के कारण, और वो शाम को वो टूटा है। उसके बाद सारी सड़कें बह गई थी। उसके बाद जो नई सड़कें बनी थी तो उनमें डामरीकरण जिसे बोलते हैं, यानी जिसमें कोल तार वार वगैरह बिछाया जाता है, तो वैसा नहीं हुआ था। तो जिस बस में हमें ये खुशबू आई थी उससे हम उतरे, तो उसके बाद हमने देखा उसके आगे लगभग 45-50 डिग्री का इंक्लाइन था सड़क पे, 45 डिग्री का तो कम से कम रहा होगा, और नीचे मतलब सड़क में बिल्कुल नीचे जो चट्टान होगी वो दिखाई दे रही थी, और उसके नीचे आपको पता है कि पहाड़ की जो यात्रा होती है उसमें बहुत गहराई में 200-300 फीट नीचे गिरती बह रही थी। तो हमको ये महसूस हुआ कि ये
ये क्या विचित्र चीज है कि अगर हम इस जगह कहीं वो एक्सल टूटता तो ये हमारी बस अनियंत्रित होके खाई में गिर सकती थी, लेकिन इसको गुरु ने, भगवान ने संभाल लिया। तो इस तरह के बहुत सारे अनुभव हुए हैं, और भी इस समय इतना समय नहीं होगा, बहुत सारे अनुभव हुए हैं। जी जय गुरुदेव। गुरु भाई समय है हमारे पास 8:30 तक, आप बताइए जब तक कोई हैंड रेज नहीं करता। बड़ा आनंद आ रहा है गुरु भाई आपकी बातें सुन के, ऐसा लग रहा है आपके ऊपर शुरू से ही भगवान की दया दृष्टि रही है। हाँ जी गुरु भाई बताइए। परिवार का भी एक परिवार के संस्कार होते हैं आदमी को, और इसलिए ऐसा होता है। और कई ग्रंथ मैंने पढ़े, साईं बाबा से संपर्क हुआ, सत्य साईं बाबा जो बड़े बाल वाले थे पुट्टपर्थी आंध्र प्रदेश में, उनसे भी मेरा संपर्क हुआ। पहले दिन पहली यात्रा में उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया भी था और मुझे ये सवाल पूछा था कि क्या डिप्रेशन में रहते हो, लेकिन उन्होंने मुझे डिप्रेशन में रहते हो तो पूछ लिया था लेकिन उसका इलाज नहीं बताया। अब ये सोचिए कि मेरे लिए एक विचित्र बात है कि मैं भगवान दत्तात्रेय के जो गिरनार गुजरात में आश्रम है वहां पुनीताचार्य जी हुए हैं, तो पुनीताचार्य जी के आश्रम में उन्होंने साधना की थी भगवान दत्तात्रेय की। तो यही जो नाथ परंपरा और दत्तात्रेय सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मेरी साधना में मेरी मेरा उनसे संपर्क कैसे हुआ, क्या हुआ कि ये तो बाद में पता लगा कि गिरनार में साधना आश्रम है, ये बहुत बाद में पता लगा। भाई एक बार गुरु भाई मनोरमा गुरु बहन जुड़ी है, शायद वो आपसे कुछ कहना चाहती है। जी मनोरमा गुरु बहन आपका स्वागत है। जी जी जय गुरु भाई। जी आपकी बातें सुनकर अच्छा लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिद्ध योग की बात करते हैं गुरु भाई। जो भी हमारे अनुभव होते हैं, मतलब जो रियल में प्रैक्टिकल अनुभव होते हैं ध्यान में, जैसे आपने कहा कि मतलब मुझे मेरा योग प्रैक्टिकल, जैसे कि जो आपके घुटने मुड़ नहीं पाते थे वो अब मुड़ रहे हैं, प्लस जी। इस ध्यान से या इस नाम जब से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, हमारे जीवन में हमने पहले क्या किया क्या नहीं किया, कहानियां बहुत सारी है सबकी, है हमारी भी है ना। अच्छा। तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब अपनी अनुभूति भी बताना चाह रही थी भाई, मतलब अन्यथा ना ले, लेकिन अपने को सिर्फ और सिर्फ सिद्ध योग गुरुदेव रामलाल जी सियाग हमारी जुबान पे होने चाहिए, हमारे हृदय में, मतलब हर जगह उन्हीं का शब्द निकले ताकि उन्हीं की बात लोगों तक पहुंचे, लोग उसको समझ पाए, क्योंकि हम बहुत सारे उदाहरण देंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ सिद्ध योग यानी गुरुदेव रामलाल जी सियाग कल की भगवान द्वारा दिया गया मानवता के लिए जो वरदान है सिद्ध योग, उस सिद्ध योग की हम बात करते हैं। हम सभी गुरु भाई बहन प्रेम से जो भी हमारे अनुभव होते हैं वापस में साझा करते हैं, और ये आधे घंटे का जो हमारा समय है उसमें सब हम गुरु में होके गुरु की बात करते हैं गुरु भाई जी। तो आपके सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब आपने गुरुदेव की स्पीच तो सुनी होगी, सिर्फ अपने को दो काम करने हैं। पहला काम नाम जप, जैसे आप बोल रहे थे ना कि आपने 2 घंटे तक आप संजीवनी मंत्र सुनते हैं, तो सुनने की बजाय हमें वो नाम जप करना है और मानसिक जप करना है राउंड द क्लॉक 24 आवर्स। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए हम कितना कर पाते हैं एक अलग चीज है। और 2 टाइम ध्यान करना है, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को खाली पेट ध्यान करना। वो आपने सही कहा, वो एक दिन की बात है, वो एक दिन का उदाहरण है कि एक दिन मैं ऐसा सुन रहा था तो ऐसा अनुभव हुआ, मैं ये मेरा मतलब था। और ये सब पुरानी बात करने का मेरा अर्थ ये था कि मैं अब इतने 66वें वर्ष में हूँ, रिटायर हो चुका हूँ 8 साल पहले, नहीं 6 साल पहले, तो इसके बावजूद मैं अब इतने समय बाद कोई दीक्षा मंत्र मुझे मिला है। ये मैं इसलिए बता रहा था कि इतने सारे अनुभवों के बाद कहीं मैं एक रास्ता मुझे मिला है, मेरा अर्थ ये था। जी गुरु भाई, मतलब आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा हुई है। सिद्ध योग में क्या है, मतलब गुरु शिष्य को ढूंढता है, अब वो जब हमारा समय आता है तब गुरुदेव हमें शरण में लेते हैं। हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सबके साथ यही हुआ है जी। मतलब सिद्ध योग में शिष्य गुरु को नहीं ढूंढ सकता, यहाँ पर गुरु जो है अपने शिष्य को ढूंढता है और अपनी शरण में लाता है। उस दिन से ही हमारा मतलब
दूसरा जीवन शुरू हो जाता है अगर हम इसको सीरियसली करते हैं तो। जी जी मैं तो मतलब कुछ अपने अनुभव साझा करना चाह रही थी गुरु भाई जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जय गुरुदेव जी। जी फिर आप बोलिएगा। धन्यवाद। वो आप बोलिएगा। जी मुकेश चंद्र गुरु भाई आपको जय गुरुदेव जी। मनोरमा मीना गुरु बहन आप अपने अनुभव बताइए प्लीज। मेरा ना मतलब आज मन था कि मैं ना अपने गुरुदेव की यात्रा के बारे में बताऊं, कल भी मैंने सोचा था लेकिन क्योंकि गुरुदेव ने वापिस नया जीवन देकर वापिस बोलने लायक बनाया है तो मैं थोड़ा सा अपने इच्छा थी वो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी कि जब कोरोना आया था मैं वैसे 2011 से गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ। ध्यान करती थी, नाम जप करते थे लेकिन कभी करते थे कभी नहीं करते थे। गुरुदेव की कृपा तब से बनी हुई थी। फिर जब कोविड आया तब सीरियसली इस आराधना को किया क्योंकि उस समय कोई चारा ही नहीं दिखा कि क्या करें। तो बहुत सारी चीजें ध्यान में दिखी और बहुत सारा बदलाव आया जीवन में। उसके बाद फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद मतलब जैसे मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ तब ये चीज मैंने पहले देख ली थी ध्यान में कि मतलब इस तरह से बैठे हुए हैं, मास्क लगा हुआ है, एक शॉल ओढ़े हुए हैं, तब मैं डर गई कि ये क्या दिख रहा है। फिर वो हुआ, फिर उसी कोविड के दौरान मैंने एक दिन गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव क्योंकि हमें छुट्टी मिली नहीं रही थी, उसने किसी भी कंडीशन में छुट्टी नहीं मिल रही थी, चाहे मरो चाहे कुछ भी हो, मर गए तो 50 लाख रुपए परिवार वालों को मिलेंगे। तब मुझे ये मंत्र याद आया उस समय गुरुदेव वाला। तो सीरियसली ये मंत्र मतलब ये मान लो मैंने इतना जपा, जैसे कोविड वार्ड में जब जाते थे ये मान लो आप मौत में जा रहे हो, जब मौत सामने होती है तो इस मंत्र को मतलब मैं घर से ही वो मंत्र मेरे चालू हो जाता है, रुकता नहीं था। तब उस समय मतलब ये मेरे में इतने बदलाव आ गए, गुरुदेव से मैं रियल में कनेक्ट हो गए, मतलब गुरुदेव ये सिद्ध योग दर्शन समझ में आया कि नहीं ये कोई ऐसी चीज है जो पहले नहीं समझ में आया था इतने टाइम से। फिर एक दिन क्या हुआ कि मतलब मेरे हस्बैंड भी डर के मारे करने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे जितने भी देवी देवता थे सारे भगवान थे मेरे पास, सबकी मैं खूब पूजा करती थी, गुरुदेव जैसे दीवार पे टके हुए थे मेरे साइड में। तो मैं तो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी थी और पीछे से सारे भगवान जो है वहां से हटा के मेरे हस्बैंड ने जो है बाहर हॉल में रख दिए, हमारे दूसरी जगह पे रख दिए, और उस जगह पे गुरुदेव की तस्वीर रख दी मंदिर में। और मेरे को फोन करके बताया ड्यूटी पे, बोले आज मैंने एसएससी किया है। मेरे को उस टाइम बहुत गुस्सा आया कि मैंने पता नहीं क्या करते रहते, मेरे सारे भगवान बाहर निकाल दिए, इनको रख दिया। मैं वहां से तो आ गई, मैं सोचा घर चल के लड़ूंगी मैं कि मेरे सारे भगवान क्यों बाहर रखे। फिर मैं घर आई, फिर मैंने देखा गुरुदेव वहां रखे हुए, कुछ नहीं मैंने देखा। और उस टाइम तो मैं चली गई चुपचाप, अपने काम कर लिए, लड़ाई वड़ाई नहीं की। फिर शाम को मैंने जो मेरे पास 12 शिवलिंग था एक, उसकी मैं बहुत पूजा करती, तो वो मैंने मंदिर में वापस रख लिया और गुरुदेव भी वहां रखे हुए थे। तो गुरु बहन क्या होता है कि जब शाम को पूजा हम करते हैं तब वो जो 12 शिवलिंग है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, वहां सब गुरुदेव नजर आ रहे थे। फिर मैंने मतलब वो जो 12 शिवलिंग था उसको अपने आप हटा दिया कि मतलब उसमें मुझे कुछ मतलब कोई भाव ही नहीं थे मेरे उस शिवलिंग में, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव नजर आ रहे थे। उसके बाद फिर कई अनुभूतियां हुई ऐसे। तो इस तरह से सारे देवी देवता मतलब 2-3 महीने तक मतलब हमारे उस हॉल में रखे रहे। मैं पूजा वूजा भी नहीं करती उनकी, गुरुदेव की करती, फिर उनमें डस्ट वगैरह लगने लग गई तो फिर लगता, तो मतलब फिर यूं लगा कि इनको हमें मतलब इनकी जगह में पोछा देना चाहिए। फिर सारे देवी देवता हम काजलवास गए थे अगस्त में 21 अगस्त को, तो वहां गए थे मतलब विसर्जित करके आ गए सारे देवी देवताओं को। तब से फिर गुरुदेव मतलब तब से गुरुदेव हैं और आज तक है। फिर मैं जैसे अभी ये घटना वाली ये बात बताऊं तो मतलब मृत्यु का समय ये सब चीजें पूर्व निर्धारित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। भाई गुरुदेव ने अपनी स्पीच में कई जगह कहा है कि मृत्यु का समय जब आ जाता है ना वो क्षण भर भी इधर से उधर नहीं होगा, वो सबका निश्चित है। लेकिन उस समय से लेकर अब तक गुरुदेव किस तरह से मतलब हमारे साथ है वो मैं बताना चाह रही हूँ कि मतलब वो हर हाल में चाहे कैसी भी सिचुएशन हो अगर आप उन पर डिपेंड हैं तो वो आपके साथ
हर पल रहते हैं। मतलब जैसे आप मान लो उस घटना से लेकर, नहीं तो मैं मौत से इतनी डरने वाली, मतलब मैं अपनी मौत से नहीं डरती थी, सबसे ज्यादा डर अपने परिवार से ही होता है, मतलब कि मैं सुन लो तो मेरे प्राण वहीं निकल जाए, मैं इतना डरती थी। लेकिन मुझे उस समय वो इतना बल, इतनी शक्ति कहाँ से मिली, मैंने मतलब सब काम किए, मैं जरा सी भी मतलब जैसे मैं उस घटना के लिए तैयार थी, मतलब इतनी शक्ति मेरे अंदर थी। और एक साल पहले गुरुदेव ने ये दर्द मुझे रियल में, मतलब किसी को मैं समझा नहीं सकती, लेकिन अभी जो दर्द मेरे साथ ना, उसे हजार गुना ज्यादा दर्द मैंने वो चार पांच दिन में जब मुझे ये अनुभूति हुई थी ना इस घटना की, तब मैंने सहा था। मतलब दो तीन दिन तक तो मेरी आवाज ही चली गई थी, मुझे पता है औरों को तो मैं नहीं समझा सकती। उसके बाद से लेकर मतलब जैसे वहां गए हम गाँव में, तब देखे गुरु बहन, मतलब मुझे नहीं पता था कि एक्सीडेंट किससे हुआ था, ये चीजें हमें नहीं पता थी, खाली अखबार में से थोड़ा सा सुना था कि बस से एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन आप देखिए गुरुदेव ने इतनी अनुभूतियां कराई देवांशी को, मतलब ऐसे अपने आप आके ध्यान में बैठे और बोली, मामा मुझे एक बस दिखी और उस बस ने पापा का एक्सीडेंट किया। मैं ये सब चीजें बताना चाह रही हूँ शॉर्ट में, मतलब वो बस ध्यान में दिखी गुरु बहन, हमें नहीं पता था कि एक्सीडेंट बस से हुआ है। बस के नंबर दिखे इसको, बच्ची को, मेरी को, बस व्हाइट बस थी बड़ी सी, उसका उसने पिक्चर ड्रॉ किया था बस का, उसमें जय माता जी लिखा हुआ था, वो सब चीजें दिखी। फिर उसके नेक्स्ट डे मैं थाने गई, वो सब चीजें मतलब वही थी बस से, मतलब सारी चीजें सामने आ गई। तो सिद्ध योग जो है किस तरह से आपको मतलब रास्ता दिखाता है। इसकी आवाज आ रही है, इसका माइक ऑन है शायद, किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जी गुरु बहन बताइए। मतलब जब हम वहाँ गए थाने में तो गुरु बहन मतलब सारी चीजें, मतलब बस पकड़ ली, बस का नंबर, सारी चीजें गुरुदेव ने मतलब ध्यान में दिखाया, सारे रास्ते एकदम क्लियर हो गए। जब वहाँ हम गए तो वहाँ हमें वकील भी मिला, वो थाने वाले भी ऐसे जैसे वो हमारे लिए तैयार बैठे हो, हमारे परिवार के सदस्य हो, इस तरह से हमारे केस को उन्होंने हैंडल किया। नहीं तो हमने कभी कुछ देखा ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं कैसे करना है क्या करना है। तो गुरुदेव तब से लेकर आज तक मतलब इस तरह से संभाल रखा है। अब तो जैसे मतलब गुरुदेव ने काफी हद तक मतलब बाहर निकाल लिया है और वो हर पल अपने साथ रहते हैं। मैं उनको अपने मतलब यूं होते हैं जैसे गुरुदेव को जैसे हम अनुभव कर सकते हैं ना कि नहीं आत्मा तो अजर अमर है, ये जैसे गुरु का शरीर गया है, तो वही चीज में मतलब अपने हस्बैंड में भी महसूस करती हूँ कि उनको भी मैं अनुभव करती हूँ गुरुदेव के साथ में हर पल हर समय। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ ऐसा हो गया है। तो ये शक्ति मतलब गुरुदेव देते हैं, मतलब सिद्ध योग का वर्णन हम शब्दों में कर ही नहीं सकते। तो ये है गुरु बहन, मैं अपनी थोड़ा सा अपना बताना चाह रही थी कि गुरुदेव मतलब किस तरह से अपने शिष्य के मतलब किस तरह से रखवाली करते हैं, उसको हर पल अपने साय में रखते हैं। के गुरुदेव, गुरु बहन मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी बातें सुन के, कितनी जबरदस्त अनुभूतियां हैं, बस मैं बता नहीं सकती, मैं अंदर तक फील हो रही है वो बातें कि कितनी ज्यादा दया है, दृष्टि है गुरुदेव की, कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं गुरुदेव, अपने बच्चों की तरह हमारा ख्याल रखते हैं गुरुदेव हमारा। गुरुदेव मैं भी नहीं बता सकती गुरु बहन की आपकी ये बात सुन के क्या बोलूं क्या नहीं, कितनी ज्यादा करुणा है हमारे ऊपर गुरुदेव की, कितनी दया है गुरु बहन, हम कितने धन्य हो गए गुरुदेव की शरण में आके। बस यही बोलूंगी गुरु बहन कि हम बहुत धन्य हो गए साक्षात कल की भगवान की शरण में आके। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव जी। हिंगू अंकल से अनुरोध है कृपया सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। हिंगू अंकल आज नहीं जुड़े हैं तो चलो मैं ही कर देती हूँ। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय गुरुदेव।